होती नहीं। गोकुलपुरा ना, एग्जाम है क्या उधर? चलिए दोस्तों, सर्की राइड हमने कंप्लीट कर दिया, 76 एम का बिल निकला और अभी आ गए पिंक सिटी में। और दोस्तों यहाँ से करते हैं दूसरे राइड का वेट। और भाई पिंक सिटी में ट्रैफिक है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी ट्रैफिक है। कभी ब्रह्मपुरी साइड में आ गए और पिंक सिटी में भाई आने के बाद आप जानते हैं यहाँ का हाल क्या है। चलिए वेट करते हैं राइड का और भाई संडे को लगाए ऊबर में बूस्ट, देखते हैं मिलती है कि बूस्ट में राइड हमें। चलिए भाई लोगों, हमें ब्रह्मपुरी से राइड मिल गई है और भाई ओला ने मौज कर दिया। ओला ने दिए सीधी मालवीय नगर की राइड ब्रह्मपुरी से, और भाई यहाँ से राइड मिलने का चांस बहुत कम रहता है। तो अभी चलते हैं दोस्तों मालवीय नगर की और पहले पिक करते हैं कस्टमर को। मैंने कॉल कर दिया है मैडम को, उनकी थोड़ा वेट टाइम लग जाए क्योंकि इधर का है ट्रैफिक एरिया, तो संडे को भी ट्रैफिक रहता है भाई इधर, लेकिन फिर भी चलते हैं दोस्तों। एक्चुअली क्या इधर जो करंट लोकेशन लेता नहीं है, इधर उधर ले लेता है। ये पार्सल है, मैम ने पिन बता दी 4741। मैम यहाँ से थोड़ा निकलने में टाइम लगेगा, बाकी आगे टाइम नहीं लगेगा। उनके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह? हाँ थैंक यू मैम, ओके मैम। चलिए दोस्तों हमें पार्सल मिल गया और ये है 11 किलोमीटर की राइड, और मैम ने पहले ही हमें पैसे वगैरह दे दिए हैं। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं जीटी की तरफ, और भाई ये राइड ब्रह्मपुरी से जीटी की तरफ की है भाई, गलत तो नहीं जा रहे भाई लोगों? पार्सल लेके निकल चुके हैं और ब्रह्मपुर से तो आगे आ गए हैं, और अभी आ गए हैं बड़ी चौपड़ की तरफ। और दोस्तों यहाँ से जाएंगे पिंक सिटी से बाहर निकलते हैं और चलते हैं दोस्तों, दिखाते हैं रास्ते में आपको क्या क्या आने वाले हैं। तो भाई देख सकते हो बड़ी चौपड़ आ चुकी है, और भाई इसके बाद में आएगा अजमेरी गेट, और भाई उसके बाद में आपको दिखने वाला है। तो बने रहिए व्लॉग में क्या क्या दिखने वाला है। हाथ पकड़ रखे है भैया, क्या यार हमारा भी टाइम आएगा भैया, ऐसी बात नहीं है। तो भाई साथ पूरा मार्केट बंद होने की वजह से और यहाँ पे बिल्कुल शांति है, और भाई आज ट्रैफिक कम है, लेकिन थोड़ा बहुत मार्केट खुला हुआ है। लेकिन संडे को जयपुर में रहता है पूरा जयपुर का छुट्टी, तो कभी जयपुर संडे को ना आए शॉपिंग करने, भाई मज़ा संडे को नहीं आता है। बाकी घूमने का पर्पस तो बढ़िया। और भाई आ गए अजमेरी गेट, आप देख सकते हो व्यू अजमेरी गेट का। तो इस निकलते हैं दोस्तों अजमेरी गेट से बाहर, और भाई चलते हैं जीटी की ओर, तो क्या सेल्फी खींचने का। तो गाइस ये है अल्बर्ट हॉल, और आप देख सकते हो क्या लुक है। और भाई यहाँ पे लोग अपने अपने ओनर को जाहिर कर रहे हैं इधर। दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं उनकी पिकअप लोकेशन, नहीं सॉरी ड्रॉप लोकेशन पे, और भाई देते हैं पार्सल और निकलते हैं दूसरी राइड के लिए। और अभी जेएलएन मार्ग से जा रहे हैं दोस्तों, जेएलएन मार्ग का खूबसूरत लुक आप देख सकते हो। भाई जेएलएन मार्ग की एक बात तो है यार,
आपको सड़क एकदम क्लीन और पेड़ पौधे एकदम मस्त मिलेंगे भाई। ये क्या सीन भाई, इवनिंग में क्या खूबसूरत नज़ारा दिखता है यहाँ से WTP का। आप सामने देख सकते हो WTP, और ये वाला है GT सेंटर। तो चल यार, पे करना है, पेमेंट उन्होंने कर दिया था, मैं देख लेता हूँ। हाँ ठीक चलिए भाई लोगों, हमने कंप्लीट कर दिया उस राइड को और हमने GT पार्सल दे दिया है भैया को, और अभी देखते हैं इधर से कहाँ जाने का प्लान बनता है। और भाई इवनिंग में नज़ारा देख सकते हो, सूरज भाई ढलने वाला है, और भाई क्या खूबसूरत व्यू दिख रहा है। चलिए करते हैं वेट। हाँ, आपको कोई पहले का ड्यू है इसमें? पहले का कोई ड्यू है, कोई राइड कैंसिल है इसका? अरे मैंने राइड कैंसिल नहीं की, 30 रुपये बता रहा था। देखो आपके में दिखा देगा पहले क्या होना। अरे 30 रुपये बता रहा था, 50 रुपये कहाँ से आ गए इसमें? दादा मैं क्या करूँ, आपके सामने बिल है, आपके साउंड मैसेज आया आपका, ऐसे कैसे हो सकता है यार? ये तो कंपनी से बात करो, कंपनी से कैसे बात करें? अब आप इसमें देखना ऑप्शन आएगा कहीं ना कहीं, तो उनका अमाउंट कोई पहले का ड्यू था और बोल रहे थे भैया 31 रुपये आए थे मेरे, तो बताओ 1 किलोमीटर का 31 रुपये यार। अभी उनका कितना ड्यू था वो मैं दिखा देता हूँ, 27 रुपये दोस्तों मुझे दिए हैं, 22 रुपये 1 किलोमीटर के, 1 से 1.5 किलोमीटर के। चलिए दोस्तों, मैं MK राइड कंप्लीट कर दी है दुर्गापुरा, और अभी निकलते हैं दोस्तों दूसरी राइड, और 200 मीटर उनका पिकअप लोकेशन है। ऊबर ने हमें फिर से राइड दे दी है और हम चल रहे हैं, हम जाएंगे जयपुर जंक्शन की ओर। और दोस्तों ड्रॉप लोकेशन है उनका 8.9 किलोमीटर के समथिंग। तो चलिए दोस्तों चलते हैं जयपुर जंक्शन की ओर। एक 64 है, हाँ भैया आप बताओ। हाँ भैया ब्लॉग शूट करते हैं, पैसा बहुत लगता है यार दादा, मेहनत और पैसा बहुत लगता है यार। तू का वो तो मेहनत कर रहा है, जब बंदा मैं कि ना कम आएगा तो करेगा क्यों भाई साहब? भाई इतनी मेहनत लगती है यार, बंदा एडिट करने वीडियो बनाने में 4-4 घंटे एडिट करने में लग जाते हैं। ऐसे मेरा खुद ही मैं क्या, वो तो चैनल है, चैनल क्या भाई, मैं खुद ही मैं मेरे सब्सक्राइबर बोल रहा हूं, मैं गलती करेंगे भाई, मैं चल रहा हूं, हेलमेट भी नया लेकर आया हूं बाप, इसी पता ये कितनी पे आ गई इसकी। नहीं ये सारा सेटअप लिया था, हेलमेट भी नया ही लिया था लेने को तो। हाँ चलिए दोस्तों, भैया की राइड कंप्लीट कर दी है और अभी आगे जयपुर जंक्शन की तरफ। और दोस्तों कुछ भैया मिले थे जयपुर जंक्शन पे, बोल रहे थे कैमरा वैमरा क्यों लगा रखा है, तो भाई लोग देख के मतलब थोड़ा अचंभित हो जाते हैं यार, भैया क्या क्या करते हैं, तो बता देते हैं भाई ब्लॉग शूट करते हैं भाई लोगों। रेलवे स्टेशन पे काफ़ी देर वेट किया, एक्चुअली क्या रेलवे स्टेशन पे ऑफलाइन राइड ज़्यादा चली जाती है, तो इस वजह राइड आने का चांसेस बहुत कम रहता है। तो मैं थोड़ा आउट में आया था, तो मुझे जस्ट थोड़ी आगे जाते ही सी स्कीम की राइड मिली है, ज़्यादा नहीं है उनका, 2 किलोमीटर का ड्रॉप लोकेशन है और पिकअप लोकेशन 400 मीटर था, तो मैं उनको पिक करता हूँ और सी स्कीम में ड्रॉप करता हूँ।
और दोस्तों सिंधी कैंप रेलवे स्टेशन कभी भी जाते हैं ना तो उधर से एक्चुअली क्या कभी जैसे ऑटो और ई रिक्शा वगैरह और ऑफलाइन राइड ज़्यादा वहाँ से चले जाते हैं, इसलिए राइड आने का चांसेस बहुत कम रहता है। सामने भाई क्या होटल है, मस्त एकदम। सी स्कीम के लिए मैं देखो आगे लाइटिंग वाइटिंग एकदम मस्त। तो गाइस अपन चलेंगे सीधा एलिमेंट फ्लाईओवर से ऊपर से मानसरोवर की तरफ, और दोस्तों देखिए ऊपर से क्या मस्त व्यू है भैया। भैया रोक लिया मैंने पहले ही, मुझे पता था तुम लोग रुकने वाले हो नहीं। चलिए और भाई गाइस देखिए क्या मस्त लाइटिंग वाइटिंग, तिरंगे की तरह एकदम मस्त लग रहा है। तभी हमको मिला है ये वाला पार्सल, और गाइस ये पार्सल हमें करना है ड्रॉप। और आज संडे की वजह से भाई पूरे रास्ते मतलब एकदम शांत है। वाओ, और गाइस ऊपर से सिटी का व्यू देख सकते हैं आप, फ्लाईओवर से क्या मस्त दिखता है। देखो लाइटिंग वगैरह दिखती है आपको। तेरी जिंदगी था वाली जी। चलिए दोस्तों भैया को दे दिया पार्सल, और भाई 70 रुपए की जगह हमको दिए उन्होंने पूरे 90 रुपए। ओए 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 चलो चलिए दोस्तों भैया को पिक करते हैं जगतपुर वाली राइड को, और अभी है गुजर की थड़ी मानसरोवर के भाई गड्ढे में गिर गए। चलिए कोई नहीं, फिर भी चलते रहते हैं, गड्ढे में गिरो या ओयो ओयो ओयो। चले दोस्तों फाइनली रूम पे पहुंचने वाले ही हैं, तो अभी 9 बज गए हैं, तो अभी जा के रूम पे और भाई बढ़िया फ्रेश व्रेश होते हैं और खाना वाना खा के तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छी वीडियो के साथ। नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और गाइस कमेंट करके बताना ब्लॉग कैसा लगा। जब तक के लिए बाय बाय।